राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। 199 सीटों पर मतदाताओं ने प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद कर दिया है। अब सरकार किसकी बनेगी, इसको लेकर लगातार कयास जारी है। बीजेपी जहां परिवर्तन की ताल ठोकते हुए सत्ता वापसी का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस पिछले 25 सालों के इतिहास को न दोहराते हुए सरकार को वापस रिपीट होने का दावा कर रही है। जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वह भी लगातार कौन सी पार्टी को कितनी सीट मिलेगी, इसको लेकर गहन मंथन कर रहे हैं। राजस्थान में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, तो उससे पहले देखा था कि बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही अन्य पार्टियों के स्टार प्रचारकों ने हर सीट को साधने की कोशिश की। लेकिन राजस्थान की एक ऐसी सीट जिसके साथ एक मिथक जुड़ा हुआ है, उसको लेकर इस बार दोनों ही पार्टियों ने थोड़ी सी कमजोरी दिखाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कामां विधानसभा सीट। देखिए, लगभग 72 सालों के इतिहास की अगर बात की जाए, तो 72 सालों के इतिहास में महज 3 मौकों को छोड़ दें, तो इसके अलावा जिस भी पार्टी का विधायक इस सीट से रहा है, उसी पार्टी की सरकार यहां पर बनी है। सबसे पहले बात करेंगे 1951 की। 1951 में कांग्रेस पार्टी के इब्राहिम ने यहां से जीत हासिल की थी, जिसके बाद यहां पर कांग्रेस की सरकार बनी थी राजस्थान। तो वहीं 1957 में निर्दलीय नत्थी सिंह ने यहां से जीत हासिल की थी, जिन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया था। 1962 की अगर बात की जाए, तो 1962 के कांग्रेस के मजलिस ने यहां से जीत हासिल की थी, और मजलिस ने 1967 में भी जीत हासिल की थी, और दोनों ही टाइम कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनी। लेकिन 1977 की अगर बात की जाए, तो 1977 में मनोहर लाल ने यहां से जीत हासिल की थी और जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनी। 1985 में शंभूश जो हैं, उन्होंने यहां पर जीत हासिल की थी, शंभूश ने, और यहां पर कांग्रेस की सरकार बनी थी। 1990 की अगर बात की जाए, तो मदन मोहन ने निर्दलीय के रूप में यहां से जीत हासिल की थी, जिसके बाद वो भाजपा में शामिल हुए थे, और भाजपा ने उनको तोहफा देते हुए राजस्व एवं सांख्यिकी विभाग में मंत्री भी बनाया था। 1998 में तैयब हुसैन ने कामा की सीट से जीत हासिल की थी, और उस समय कांग्रेस की सरकार बनी थी, और कांग्रेस ने तैयब हुसैन को कृषि मंत्री बनाया था। तो वहीं 2003 की अगर बात की जाए, तो 2003 में मदन मोहन ने एक बार फिर से यहां से जीत हासिल की थी, तो भाजपा के थे, और राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी। 2008 की अगर बात की जाए, तो 2008 में जाहिदा खान ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ते हुए कामा से जीत हासिल की थी, 2008 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो वहीं 2013 में जगत सिंह ने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए यहां से जीत हासिल की थी, 2013 में भाजपा की सरकार राजस्थान में बनी। लेकिन 2018 में एक बार फिर से कांग्रेस की जाहिदा खान ने यहां से जीत हासिल की थी, और 2018 में गहलोत सरकार, कांग्रेस की सरकार यहां पर बनी थी। इस बार कांग्रेस ने जाहिदा खान को इनाम देते हुए शिक्षा राज्य मंत्री का विभाग उनको दिया था। जिन 3 अपवादों की हम बात कर रहे हैं, कि वो कौन से 3 से ऐसे चुनाव थे जिसमें यहां पर विधायक ने तो जीत हासिल की थी, लेकिन उसकी पार्टी सरकार बनाने में नाकाम रही। 1972 में भारतीय जनसंघ जो पार्टी है, उनके मनोहर लाल ने कामा से जीत हासिल की थी, लेकिन 1972 में कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनी। तो वहीं 1980 में JNPSS के चाब खान ने कामा की सीट से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार भी कांग्रेस की सरकार ही यहां पर बनी थी। तो वहीं 1993 में भाजपा की सरकार बनी थी, लेकिन इस बार कांग्रेस के तैयब हुसैन यहाँ से विधायक है, वह बने थे। देखिए, कामा की सीट के साथ कुछ मिथक जुड़े हुए हैं, कि जहां यहां से जो विधायक जीतेगा उसकी सरकार बनेगी। लेकिन इस बार राजस्थान के जितने भी स्टार प्रचारक थे, या दिल्ली से आए हुए अन्य राज्यों से आए स्टार प्रचारकों की नज़र कामा पर नज़र नहीं आई। हालांकि सचिन पायलट की एक सभा जाहिदा खान के समर्थन में होनी थी, लेकिन वह वहां नहीं पहुँच पाए थे। इसके अलावा भी कोई भी बड़ा स्टार प्रचारक, चाहे वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो या अन्य पार्टी का हो, वो कामा में नजर नहीं आया था। ऐसे में अब कामा के साथ जो मिथक जुड़ा हुआ है, उसको लेकर बड़े कयास लगाए जा रहे हैं, कि एक सीट जो पिछले 73 सालों से 3 बार को अगर छोड़ दें, तो हमेशा उसी पार्टी की सरकार बनी है जिसने यहाँ से जीत हासिल की है। ऐसे में अब चाहे राजनीतिक पंडित कितनी भी बात कर लें, जितनी भी कयास लगा लें कि किसकी सरकार बनेगी, लेकिन कामा का जो ये
अटूट एक रिकॉर्ड है जिस हिसाब से चला आ रहा है, उसमें अब देखना होगा कि इस बार किसकी सरकार बनती है और कामा से जीत हासिल कौन करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज़, मैं हूं ललित वर्मा।